लावा लैंप घर पे किस तरह से, जैसे लावा निकलता है वैसे ही लावा हम किस तरह से घर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने गिलास लिया है, उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, जैसा दिख रहा है बड़ी बड़ी चम्मच आपको लेनी है, इस तरह से बेकिंग सोडा आपने डाल लिया। अभी वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब आपके पास रिफाइंड होगा, ठीक है, आप तेल डालना है, आपको रिफाइंड ऑयल डालना है। ये देखिए इन्होंने गिलास को तेल से भर दिया है पूरा इतना, ठीक है। और अब आगे क्या होने वाला है आपको क्या लगता है? इन्होंने एक और गिलास लिया है, अब इसमें क्या डालना है? सिरका लेना है, ठीक है। ये इन्होंने व्हाइट विनेगर लिया है, सफ़ेद सिरका लिया है, आपके पास जो भी सिरका हो वो इतना सा लेना है। देख लीजिए क्वांटिटी इतनी, एक चौथाई से भी कम है थोड़ी सी, ठीक है। और वैसे तो पानी में कलर डालना होता है, अगर आपके पास किसी भी तरह का कलर नहीं है मिक्स करने के लिए तो आपके पास इस तरह का स्केच पेन या मार्कर तो होगा ही, तो आप इस स्केच पेन से विनेगर में कलर लेके आएंगे। ये देखिए इन्होंने स्केच पेन के अंदर का निकाल दिया है पूरा, तो इससे विनेगर में थोड़ा सा कलर आ गया सबके में। ये इसलिए कलर किया है ताकि जब हम इसको उसमें ऑयल वाले कप में डालेंगे तो हमको पता रहे कि विनेगर कहाँ पर है, ठीक है। तो और वो लावा लैंप वाला इफेक्ट आए, तो अभी मैंने ये स्केच का ये अंदर वाला पार्ट निकाल दिया है। और देखिए सिरके का कलर थोड़ा सा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा हरे रंग का हो गया है। और इधर से इन्होंने LED लाइट ली है, LED लाइट के ऊपर इन्होंने हमारा तेल वाला गिलास रख दिया है इन्होंने, और उसको लाइट को नीचे से जला दिया है। और अब इस सिरके में रंग मिलाया था हरा रंग, वो सिरका ऊपर से डाल दिया है। और अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर तैर रहे हैं, नीचे से ऊपर किस तरह से रिएक्शन होता है। ऐसे आपने देखा होगा ना, जो लावा होता है इसी तरह से फटता है, इसी तरह से लावा निकलता है। तो ये पूरा आप घर पे बना सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप खुद से कर सकते हैं घर पर। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बच्चों।